हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के चैनल पे आपका स्वागत है। आइए मैथ के गजब कॉन्सेप्ट एवरेज का आज एवरेज आपको औसत कराते हैं। औसत या मध्यमान एक ही चीज़ है। औसत बराबर होता है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की कुल संख्या। और इसका एक मतलब है, जैसे औसत कोई संख्या दी गई है, ठीक है, कोई संख्या समूह में है, जैसे पांच संख्या है, चार संख्या है, सभी संख्याएं भिन्न भिन्न हैं और उसका औसत निकालना है। तो औसत यह कहता है कि सभी संख्या को बराबर बराबर कितना अगर बांट दिया जाए, मिलाकर बांट दिया जाए। यही दिया है सभी पदों का योग, मतलब सभी को मिला दिया जाए। मिलाकर बांटने पर, बांटने का मतलब कुल जितना संख्याएं दिया, जैसे चार संख्याएं हैं, पाँच संख्याएं हैं, उनसे भाग करेंगे। सभी मिलाकर जितनी संख्याएं अगर उससे भाग कर देंगे तो वही हमारा औसत आ जाता है। ठीक है, तो आइए कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे मैथ के एवरेज में जो क्वेश्चन आते हैं। आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इस पर साधारण क्वेश्चन बनते हैं, संख्या दे दिया जा संख्याएं देकर पूछ लेता है संख्याओं का औसत बताइए, या चार पांच व्यक्ति हैं, कोई चार पांच व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति हैं उनका अलग अलग इनकम आय दे देगा। ठीक है, ऐसे ऐसे उस पर क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। तो आइए साधारण प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी का सभी क्वेश्चन बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे साधारण क्वेश्चन ये होता है संख्याएं देकर, जैसे संख्याएं चार संख्याएं हैं, चार संख्याएं 25, 30, 35 दे के वह 40, ये चार संख्याएं हैं, इनका औसत पूछ लेगा। चार संख्याएं 25, 30, 35 और 40, इनका औसत बताइए, इनका औसत बताइए। तो औसत का फार्मूला है सभी पदों का योग बटे सभी पदों की कुल संख्या। आप इससे करेंगे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे उससे बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चाहे जितना बढ़िया क्वेश्चन हो उसको देखकर ही उसका आंसर आप बता पाएंगे। जैसे यही क्वेश्चन है दिया है ना, अब इसका औसत निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे और चार पद है, चार से भाग करेंगे। तो जोड़ के एक बार भाग करके देखिए औसत क्या आ रहा है। 40 और 35 जोड़ेंगे 75, 75 में 30 जोड़ेंगे 105, 105 में 25 जोड़ेंगे 130 आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 130 आ जाएगा, चार का भाग देंगे कितना आ रहा है, चार तियाई 12, वन बचेगा 10 हो जाएगा, चार दूना 8 और चार पंचे 20, 32.5 आ रहा है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट से देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। कॉन्सेप्ट यह कहता है कि सभी को बराबर बराबर कर देना है। सभी को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ सबसे कम है 25 जो है, सबसे कम है 40, सबसे ज़्यादा है। तो 25 तो और दूसरों से लेगा, जो ज़्यादा है वो तो देगा सबको। यहाँ से अब बीच में, इसको औसत को मध्यमान भी कहते हैं। मध्यमान मिडिल वैल्यू ही औसत होता है। कोई श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला अगर उसका सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं के बीच का जो गैप है वह उस श्रृंखला में बना रहता है। दो संख्याओं के बीच का गैप श्रृंखला में अगर बना रहता है तो सर्वांतर, उसको कहते हैं सर्वांतर बराबर है, सर्वांतर जो है बना है। जैसे यहाँ 25 है, 25 पाँच 30, 30 पाँच 35, 35 पाँच 40, तो इसका सर्वांतर बना है। पाँच पाँच का गैप है, पाँच पाँच का जब गैप है तो श्रृंखला जो है श्रेणी क्रम में है, इसका गैप बराबर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर दो का भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाता है, या बीचों बीच जो संख्याएँ होगी वही औसत हो जाता है। तो 40 और 25 जोड़ेंगे कितना आएगा, 40 25 जोड़ेंगे 65 आएगा, 65 में दो का भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा 32.5, औसत ऐसे निकल गया। और जब श्रृंखला श्रेणी क्रम में है, उसका सर्वांतर बना है, गैप दो अंकों के बीच का हर समय बना है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो बीचों बीच जो संख्या होगी वही हमारा औसत होता है। तो ये चार संख्या है तो इसके बीचों बीच कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ बीचों बीच इसका यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके अब इस जो श्रृंखला दिखाई दे रहा है इसका बीचों बीच यहाँ आएगा। तो बीचों बीच आने का मतलब
या इसको इसके अगल बगल जो संख्या है उसका औसत निकाल लीजिए। औसत का मतलब बताया है कि बराबर बराबर बांटना, जैसे यहाँ 30 है, इसके पास भी 30 रहता तो औसत 30 हो जाता, लेकिन 35 है, 5 ज़्यादा है, तो वही जो ज़्यादा है उसको बांट दीजिए। 30 30 तो इनके पास थे, तो 5 एक्स्ट्रा है, 5 को बांट दे देंगे। 5 को जब दो भागों में बांटेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 इसमें जोड़ दो, 2.5, तो आ जाएगा आपको 32.5। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बड़े इजी से आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे संख्याएं दे दी गई, संख्याएं दे दी गई, यही संख्या है, ठीक है, 5 संख्या दे दी गई। अब इसका औसत पूछ लिया, औसत निकालने के लिए अगर गैप बराबर बना है तो बीचों बीच जो संख्या होगी वही औसत हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, 20-20 का गैप दिख रहा है ना, तो हमारा औसत 140 हो जाएगा। अब कुल पदों का योग करके कुल 5 का भाग करेंगे तो उससे आसान तरीका है, अगर सर्वांतर देख रहे हैं, बराबर दिख रहा है, तो बीचों बीच जो संख्या है हमारा औसत हो जाएगा, या पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 180 में 100 जोड़ेंगे कितना आएगा, 280। 280 में 2 का भाग कर दीजिए, 140 आ जाएगा, ठीक है। या इसको बताया है कि औसत होता है कि सबको बराबर बराबर कर दीजिए, बीचों बीच संख्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में ही हमारा एवरेज बनेगा। तो हमको पता नहीं है तो कोई भी संख्या इसके बीच का मान लेते हैं कि उसका एवरेज है, ठीक है। जैसे 120 मान लिए, 140 नहीं आ रहा तो 120 उस संख्या मान लिया कि हमारा एवरेज 120 है। अब 120 से इसका विचलन देख लीजिए कितना है, विचलन मतलब कि इससे कम ज़्यादा कितना है उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद जो आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद अगर माइनस में आएगा तो उस जितना पद है उसमें उतना भाग करके इसमें से घटाएंगे। जैसे आपको बताते हैं 120 है, 120 से कितना कम ज़्यादा है, ये 20 कम है कि नहीं, 100 है ना, 20 कम है तो -20 हो गया, और ये कुछ नहीं तो 0 है, और यहाँ 20 ज़्यादा है, यहाँ 120 से 40 ज़्यादा है, यहाँ 120 से 60 ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ माइनस के 20 प्लस के 20 कट जाएगा, और 60 और 40 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। अब 100 को कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 संख्या दी गई है, ठीक है, 5 संख्या है तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम जो 20 120 माने थे एवरेज, अब उसी में ये प्लस का आया है ना, अगर माइनस का आता है तो इसी में से घटा देते, प्लस का आया इसमें जोड़ दीजिए, 140 हमारा औसत आ जाएगा। ऐसे आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी संख्या को बराबर करना है, आप उसके बीच के संख्या को मान लीजिए, उसके उससे कम ज़्यादा देख लीजिए, उसके देखने के बाद प्लस में आ रहा है जितने पद है पहले उस भाग कर देंगे, अगर प्लस में है तो ऐड कर देंगे, माइनस में है औसत जो माने हैं उसमें से घटा देंगे। जैसे क्वेश्चन करते हैं, 70 सेमी, 65 सेमी और 75 सेमी, ठीक है, 90 सेमी और 100 सेमी। अब पूछ लिया कि अलग अलग जगह पे वर्षा हुआ है, किसी जगह 70 सेंटीमीटर हुआ, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हुआ है। अब इनका औसत पूछ लेगा तो क्या काम करेंगे, अब इसका गैप देख लीजिए, तो गैप कोई श्रृंखला तो बना नहीं है, ठीक है, यहाँ 90 100 हो जा रहा है, 75 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा है यहाँ, तो आप क्या काम करेंगे, बराबर करना है, सबसे ज़्यादा 100 दिख रहा है और 70 65 सबसे कम दिख रहा है। अब इसके बीचों बीच जो आएगा लगभग एक संख्या मान लेंगे कि हमारा एवरेज यही है, ठीक है, अपने मन से 65 और 100 के बीच में हम मान लेते हैं 75 है, हमारा एवरेज 75 है। अब 75 से देख लीजिए, 75 से कितना कम है, माइनस के 5 कर लेंगे, 75 से कम है, कितना कम है, 10 कम है, माइनस का 10 हो जाएगा, ये 0 है, ये 15 अधिक है, प्लस का 15 कर लेंगे, ठीक है, 75 से 25 अधिक है, ठीक है। अब ये 10 और 5 15, माइनस का 15 और प्लस का 15 कट जाएगा, 25 वही अधिक आ रहा है, प्लस का 25 आ रहा है। अब जितने पद है बोले उससे भाग कर दो,
भाग करने के बाद जो आ रहा है, जो एवरेज माने हो उसी में जोड़ देना है। प्लस में है 5 5 25, 75 में 5 जोड़ देंगे, हमारा 80 एवरेज आ जाएगा। अगर इसका एवरेज 80 लेते, 80 मानते हैं जैसे ऑप्शन में दिया रहेगा ना, अगर डायरेक्ट 80 आंसर मानेंगे तो देखो ऑटोमेटिक कट जाएगा, जीरो आ जाएगा। 80 इसका अगर मान लेते कि 80 है इसका एवरेज है, तब देखिए यहाँ -10 हो रहा है, यहाँ -15 हो रहा है, यहाँ -5 हो रहा है, और यहाँ 80 प्लस का 10, यहाँ प्लस का 20, प्लस -10 और +10, ठीक है, -10 और +10 कट जाएगा। यहाँ -15 और -5, -20 हो जाएगा, -20 और +20 कट गया, जीरो आ गया। तो हमारा एवरेज जो माने थे वही होगा। जब डेविएशन जीरो हो जा रहा है, विचलन जीरो हो जा रहा है प्लस माइनस, तो हमारा एवरेज वही होगा, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन कराते हैं। एवरेज बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट से करेंगे, बहुत सरल है, और फार्मूला पर जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जैसे इस पर क्वेश्चन देता है, जब कोई समूह में नया शामिल हो जाता है, जैसे क्वेश्चन बनता है 20 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना दिया है, 55 दिया है। इसमें एक विद्यार्थी को शामिल किया जाता है तो औसत प्राप्तांक 56 हो जाता है। तो शामिल विद्यार्थी का प्राप्तांक बताना है, जो शामिल हुआ है उसका प्राप्तांक कितना था। तो 20 विद्यार्थी 55 हुआ है, एक के शामिल होने पर औसत का मतलब बताया है, सबको बराबर बराबर है। जैसे 20 विद्यार्थी हैं, इनका औसत प्राप्तांक जो दिया है 55 ना, इसका मतलब हुआ 20ों के पास 55 55 अंक थे, 55 55 वो पाए थे, प्राप्तांक जो उनका था 20ों का 55 55 था। अब एक के शामिल होने पर सबका 56 56 हो गया, 56 56 हो गया, इसका मतलब जो शामिल हुआ है उसका प्राप्तांक ज़्यादा है, ज़्यादा है। जो सबको एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर कर देना, वो जब इस ग्रुप में शामिल हुआ, 20 लोगों को ग्रुप में आया, तो उसका जो ज़्यादा था वही बांट दिया, अपना सबको एक एक दे दिया। तो 20 विद्यार्थी थे तो 20 उसको देने में चला गया, एक एक, तो कितना दिया हुआ 20 दिया, और अपने पास कितने रखेगा, रखेगा वह 56 रखेगा, सबके पास 56, 55 से 56 हो गया ना, वह एक एक अपना दे दिया, देने के बाद उसके पास 56 रहेगा, तभी ना सबके बराबर रहेगा। सबका 55 था, ये सबका 56 हो गया, उसका भी 56 है, तो उसके पास था कितना, यहाँ इसको जोड़ लेंगे तो 76 उसका था, जो शामिल हुआ था उसका प्राप्तांक 76 था। वो अपना 20, इन लोगों को 20 विद्यार्थी थे, सबको अपना एक ही दे दिया, सबका 56 हो गया, उसके पास भी 56 था, 56 20 76 उसका था जो शामिल हुआ था, 76 होने की वजह से उस सबका एक एक बढ़ा दिया, सबका 55 था प्राप्तांक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे कोई ग्रुप है ना, ग्रुप में कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर औसत बढ़ जा रहा है तो इसके पीछे क्या कल्पना है आपकी, इसके पीछे क्या अवधारणा है। कॉन्सेप्ट मतलब होता है अवधारणा, इसके पीछे क्या अवधारणा है। अगर ग्रुप है, कोई समूह है, समूह में कोई व्यक्ति जा रहा है और औसत को बढ़ा दे रहा है, तो जो जा रहा है ज़्यादा लेके जा रहा है, या समूह में जा रहा है तो जाने से के बाद औसत घट जाता है तो कम लेके जा रहा है, ठीक है। ये इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाएगा। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु जो है 1 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। तो कप्तान कप्तान जो है वह ज़्यादा आयु का है, तभी तो ग्रुप में जाने के बाद औसत बढ़ जा रहा है, मतलब अपना जो उसका आयु है वह ज़्यादा है, इसी वजह से औसत जो है बढ़ जा रहा है। 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों का जो औसत दिया है 30 वर्ष है, यानी सभी 10 सदस्य 30 30 वर्ष के हैं, लेकिन कप्तान को शामिल करने के बाद वो 31 31 के हो जाते हैं। तो जो कप्तान आया है वो 10 सदस्यों का एक एक वर्ष बढ़ाया है, तो उसका बढ़ाने में कितना टाइमिंग चला गया, बढ़ाने में कितना वर्ष चला गया, सभी को एक एक वर्ष देगा तो 10 वर्ष उसको बढ़ाने में दे दिया, 30 वर्ष थे, 31 वर्ष के सब होंगे, तो 10 वर्ष उसको बढ़ाने में चला गया, और 31 उसका अपने पास रखेगा,
औसत जो है 31 बन जाएगा, 30 से 31 बन रहा है, तो 31 अपने पास रखेगा और 10 सब लोगों को देगा, तब तो सब लोग बराबर हो जाएंगे उसकी, ठीक है। और उसका जो औसत आयु कप्तान का था, वो कप्तान का आयु कितना था, 41 वर्ष। सभी का औसत 31 बन जाएगा। 31 बनने के लिए कप्तान जो आया है वह अपना सबको एक एक वर्ष बढ़ाएगा, सबको एक एक वर्ष बढ़ाने में 10 लोगों को 10 वर्ष उसका खर्च हो जाएगा, और वह कितना अपने पास रखेगा, 31, 31 10 41 वर्ष का था, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, अगला क्वेश्चन यह है, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त होने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अभी क्या बताएं, कोई अगर समूह है, जैसे यहाँ 6 कर्मचारियों का समूह था ना, कोई समूह में शामिल होता है, समूह में शामिल होने का बात कर रहा है, शामिल होने के बाद यहाँ 2 वर्ष कम हो जा रहा है, वहाँ पर बढ़ रहा था तो ज़्यादा लेके आया था, यहाँ 2 वर्ष कम हो रहा है तो क्या जो आया है वो कम आया है, इसी वजह से जो औसत है वह कम हो जा रहा है, ठीक है। जो 6 कर्मचारी पहले के थे, ये अपना औसत आयु जो है, जो आया है उसमें जोड़ दिया है, उसको बराबर करने के लिए, वो कम लाया था उसको दे दिए हैं, देने के बाद 2 वर्ष सभी का कम हो गया है, औसत आयु जो 37 का था अब सबका 35 का हो गया है, ठीक है। जब सभी लोग दो दो वर्ष अपना दिए हैं तो 6 लोग दिए हैं, तो कितना दे दिए हैं, 12 दे दिए हैं, और 12 12 ये लोग अपना दिए हैं, एक कर्मचारी 2 वर्ष अपना दिया है, 6 कर्मचारी थे तो 12 वर्ष दिया है, जो नया है आया है उससे, तो नया कितना आया है, नया आने के बाद वो 35 वर्ष का बना है, ठीक है। नया जो एवरेज बनेगा 37 वर्ष से 35 वर्ष बनेगा, नया जो आया है वह इन लोगों से पाने के बाद वह 35 वर्ष का हो रहा है, तो है कितना, 12 और कम था, तभी ने दो दो दे दिए 6 लोग, दो दो वर्ष अपना दिए देंगे 12, तब जाके 35 हो रहा है, तब 35 में से 12 को घटा देंगे, जो नया आया है उसका औसत उसका आयु पता चला जाएगा, 35 में से 12 जाएगा कितना आएगा, 23, जो आया था वो 23 वर्ष का था। कोई ग्रुप है, कोई समूह है, अगर उसमें कोई व्यक्ति जा रहा है, शामिल हो रहा है, अगर औसत को बढ़ा दे रहा है तो ज़्यादा लेके जा रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, इसके पीछे तो अवधारणा है, संकल्पना है, बस यही है कि ग्रुप में अगर जा रहा है, शामिल हो रहा है, तो ग्रुप का अगर औसत बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा लेके जा रहा है, अगर जाने के बाद उसके औसत कम हो गया तो कम लेके जा रहा है। सब लोग 37 37 वर्ष के थे, 2 वर्ष कम हो गया, इसका मतलब 6 लोगों का जो दो दो वर्ष है वह घट गया, किसके वजह से, वो कम आया था इस वजह से, उसके आने के बाद औसत जो है 2 वर्ष कम हो गया, 35 35 सब हो गए, जो 6 लोग थे अपना दो दो वर्ष जो आया है उसे दे दिए उसको बराबर करने के लिए, ठीक है। औसत कहता है सबको बराबर कर दो, तो कम आया था, कम आया है, कितना कम आया है, इन लोगों से दो दो वर्ष लेने के बाद वह 35 वर्ष का हुआ है, तो ये लोग अपना दो दो वर्ष देंगे, 6 लोग हैं तो 12 वर्ष दिए हैं, 12 वर्ष जब वह पाया है तब 35 वर्ष का हुआ है, तो इसका मतलब 35 वर्ष से वह 12 वर्ष कम था, तो कितने का था, 23 वर्ष का था। आया क्वेश्चन समझ में, ऐसे आप कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से कर पाएंगे, अगर इसका बेसिक करेंगे तो वही 6 कर्मचारी है उनका औसत आयु जो है उसका गुणा करेंगे, 37 का गुणा करेंगे, 6 7 42, 6 3 18, 4 22, 222 आ जाएगा। अब 7 कर्मचारी होंगे और उनका औसत आयु जो है 35 का हो जाएगा, 2 वर्ष कम हो जाएगा, अब इसका गुणा करेंगे तब जो आएगा इसमें इसको घटाएंगे, 7 5 35, 7 3 21 3 24, अब इसका अंतर करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तब जो नया आया है 5 में से 2 चला जाएगा 3, ठीक है, 4 में से 2 गया 2, 23, अब ऐसे आएगा,
गुणा करना पड़ रहा है, गुणा करके घटाओ तब आंसर आएगा। वो कॉन्सेप्ट से 6 कर्मचारी हैं, उनका औसत आयु 37 वर्ष है, एक नया कर्मचारी नियुक्त होता है जिसकी वजह से औसत आयु जो है 2 वर्ष कम हो जाता है, तो कम हो रहा है तो कम लेके आया है, उसके पीछे यही कॉन्सेप्ट है। कम है 2 वर्ष कम होता है तो सभी का 2 वर्ष कम होता है, 6 लोग हैं, 6 लोग अपना 2-2 वर्ष कम करेंगे, 12 वर्ष कम हुआ, तो 12 वर्ष जो आया है उसको दिए हैं तो वो भी इनके बराबर हो गया। सब लोग 37 के थे, 35 हो गए, जो आया है वो भी 35 का हो गया, लेकिन वह 12 वर्ष पाने के बाद 35 का हुआ, था कितना 23 वर्ष का था। आया समझ में? ऐसे आप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, आपको गुणा करके घटाना नहीं पड़ेगा, जैसे यहाँ गुणा करके घटाना पड़ा ना। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन यह है दिया, 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किग्रा है, यदि शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, शिक्षक का भार बताना है। ठीक है, यहाँ 400 ग्राम बढ़ रहा है, इसका मतलब जो शिक्षक आया है वह जो इनका औसत भार था उससे ज़्यादा है, तभी तो 400 ग्राम सबका बढ़ गया। 35 किग्रा के 24 विद्यार्थी थे, 35-35 किग्रा के, औसत का मतलब होता है सब बराबर बराबर, यहाँ 24 विद्यार्थी है, 35 किग्रा इनका औसत भार है, तो सभी 2400 लोग 35-35 किग्रा के है, लेकिन शिक्षक का भार सम्मिलित कर लेने पर 400 ग्राम बढ़ जाता है, इसका मतलब 35 किग्रा 400 ग्राम हो जाता है सब लोगों का। ठीक है, 24 थे, एक शिक्षक शामिल होने पर 25 हो जाएंगे, 24 लोगों का 400 ग्राम बढ़ रहा है, या 25 लोगों का कर लीजिए, शिक्षक भी सम्मिलित हो रहा है ना, सभी का 400 ग्राम बढ़ रहा है, सबका 35-35, अगर 35 किग्रा का शिक्षक भी होता तो औसत बना रहता, 35 किग्रा से वह अधिक है इसीलिए 400 ग्राम बढ़ गया औसत, 400 ग्राम औसत बढ़ने का मतलब सबका 400 ग्राम बढ़ गया, 24 विद्यार्थी का और एक शिक्षक का, 25 लोगों का 400 ग्राम बढ़ रहा है, यही जो बढ़ रहा है वही शिक्षक एक्स्ट्रा लेके आया है औसत से। ठीक है, इसमें गुणा कर देंगे, 25 चौका 100, 10,000 आ जाएगा, इतना ग्राम। अब इसको किलो में चेंज करेंगे, 10 किग्रा आ जाएगा, 35 10 जोड़ देंगे, 35 10 45, शिक्षक जो था 45 किग्रा का है, और अगर शिक्षक 35 किग्रा का होता तो औसत वही बना रहता, 400 ग्राम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब 24 विद्यार्थी का 400 ग्राम बढ़ रहा है प्लस शिक्षक का एक 400 ग्राम बढ़ रहा है, 25 लोगों का 400 ग्राम बढ़ना मतलब कि 10 किलो बढ़ जा रहा है, 10 किलो जो बढ़ जा रहा है वही शिक्षक एक्स्ट्रा लेके आया है, उसका भार उतना ज़्यादा है औसत से, 35 औसत था, 10 ज़्यादा शिक्षक लाया था, जो 10 ज़्यादा लाया था वही बांटने पर 400 ग्राम सबका बढ़ जाएगा, तो शिक्षक कितना था 45 किग्रा का था। आया समझ में? कॉन्सेप्ट से बहुत इजी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, नहीं तो इसको बेसिक से सॉल्व करते तो क्या करते, 24 विद्यार्थी थे, 24 गुड़े उनका औसत भार जितना था करते, फिर गुणा करते, 24 में 35 गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता, फिर यहाँ 25 हो जाते, 25 होने के बाद 35.4 करते, फिर गुणा जो करने के बाद जो आता इसमें से इसको घटाते तब आंसर आता। ठीक है, तो बेसिक से अच्छा है आप कॉन्सेप्ट सीख जाइए, कॉन्सेप्ट से बहुत इजी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट मतलब अवधारणा होता संकल्पना, इसके पीछे क्या लॉजिक था, 24 विद्यार्थी थे, एक कक्षा के 24 विद्यार्थी के उनका औसत भार 35 किग्रा है, औसत भार 35 किग्रा है इसका मतलब 2400 विद्यार्थी जो हैं 35-35 किलो के हैं सभी लोग, और एक शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है तो औसत जो वही बताया ना कि कोई समूह में शामिल होता है अगर समूह का औसत बढ़ जाता है तो ज़्यादा लेके आया है, तो इसका मतलब 35 किलो से ज़्यादा शिक्षक है। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन में कम दे देगा, ऑप्शन में दे देगा 35 किग्रा 34-33, ठीक है, एक ऑप्शन ज़्यादा दे देगा 45, तो यहाँ 400 ग्राम बढ़ रहा है तो जो शिक्षक आया है ज़्यादा वजन का है ना,
सब कम देगा, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। और विदाउट ऑप्शन का आप इसको कॉन्सेप्ट से बहुत इजी से इजी तरीके से क्वेश्चन को बता सकते हैं। जैसे 24 विद्यार्थी थे, 24 विद्यार्थी कक्षा था, उनका औसत भार 35 की ग्रह है, मान लेते हैं 2400 विद्यार्थी 35 35 किलो के हैं, शिक्षक को शामिल कर लिया जाता है, औसत जो भार था 400 ग्राम बढ़ गया, तो शिक्षक शामिल होने पर 24 विद्यार्थी प्लस वन शिक्षक मतलब 25 लोगों को 400 ग्राम बढ़ा है, 25 गुणे 400 ग्राम कर देंगे 10,000 ग्राम आ जाएगा, 10,000 ग्राम 10 किलो हो गया, तो 10 किलो ज़्यादा लाया था तभी ना सभी में बांटने पर 400 ग्राम बढ़ा। 35 किलो अगर वह रख लेगा, 35 किलो का होता तो औसत ग्राम में औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता, 35 की ग्रह का अगर शिक्षक होता, 35 की ग्रह का मान लीजिए शिक्षक है और 400 ग्राम सबका बढ़ा है, तो सबका जोड़ दीजिए 400 ग्राम, 25 बार जोड़ेंगे 400 ग्राम में, 25 बार जोड़ना है तो 25 का गुणा कर दीजिए, 25 का गुणा करेंगे 10,000 आ जाएगा, 10,000 ग्राम ही बराबर इसको किलो में चेंज करेंगे ग्राम में, 10 की ग्रह जाएगा। यही शिक्षक इतना ज़्यादा लाया था जिसकी वजह से सभी का औसत 35 किलो 400 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, शिक्षक यानी 45 की ग्रह का। चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है जिससे उसका औसत दो बढ़ जाता है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है, 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। 15वीं पारी में 76 रन बनाने की वजह से दो उसका औसत जो है दो बढ़ जा रहा है, ठीक है। 15वीं पारी में दो बढ़ने का मतलब पहले जो था 14 पारी में उन लोगों का दो दो बढ़ा है, दो अपना बढ़ाया है, तो टोटल बढ़ाने में उसका कितना गया है, बढ़ाने में रन कितना गया है। 15 पारी था, 15 पारी में जब दो दो बढ़ा है, बढ़ाने में उसका रन 30 चला जाएगा, बढ़ाने में रन 30 गया है, और पहले स्कोर क्या था, यही 76 रन बनाया है, 76 में से 30 बढ़ाने में चला गया, बचा कितना 46 जो स्कोर है 46 है वो पहले का औसत स्कोर है, ठीक है, पहले का औसत स्कोर 46 है, लेकिन अब दो बढ़ गया, कितना हो गया 48। 15वीं पारी के बाद पूछा ना, 15वीं पारी के बाद औसत स्कोर 48 हो जाएगा, उसके पहले का औसत स्कोर 46 था, वो 76 रन बनाया, 76 रन बनाया तो 30 रन उसको बढ़ाने में चले गए, 15वीं पारी जब दो दो रन बढ़ाएगा हर एक पारी का तो 30 रन बढ़ाने में चले गए, 30 रन वही 76 में से 30 घटा देंगे तो उसकी 15वीं पारी के पहले का औसत स्कोर आ जाएगा, 15वीं पारी के पहले का औसत स्कोर जो है वह 46 था, तो दो रन बढ़ गया, जब 15वीं पारी में वो 76 रन बनाया था औसत स्कोर 46 से 30 अधिक बना दिया, जब 30 अधिक बना तो 30 को 15 पारी में बांटेंगे तो दो बढ़ जाएगा, दो दो 15 दुना 30 होता है, दो बढ़ जाएगा 46 दो 48, 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर जो है 48 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए। यह दिया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों के रनों का औसत 32 था, खिलाड़ी अगली पारी में कितनी रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए। 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, अब 4 अधिक करना है अगली पारी में, 4 अधिक करने के लिए सभी पारियों का कितना, सभी पारी हो जाएंगी 11 पारी हो जाएंगी, सभी 11 पारी में 4 अधिक करना है तो पहले अधिक करने में कितना रन बनाना पड़ेगा 11 पारी का, 4 अधिक करने 44 अधिक बनाना पड़ेगा, औसत में 44 जोड़ दो, औसत 32 है, 32 में 44 जोड़ दो, अधिक करने के लिए 4 अधिक करने के लिए 11 पारी का, हर एक पारी में 4 अधिक करेंगे तो 44 अधिक करना पड़ेगा, तो अधिक करने में 44 रन बनाना पड़ेगा, औसत जो था वो बना देगा, 32 और 44 जोड़ दो 11वीं पारी में इतना रन बनाना पड़ेगा, आंसर 76 रन बनाएगा तो 44 रन उसको सभी पारियों का 4 अधिक करने में चला जाएगा और 32
जो पारी में बना था वो पारी का बनाएगा, उससे 44 32 रन बना लेगा, सब पारियों के बराबर हो जाएगा। 44 रन अधिक बनाएगा तो हर पारी में चार चार रन अधिक हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना रन बनाएगा 11 पारी में? 76 रन। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इस पर दिया क्वेश्चन, संस्था में 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 रुपये है, 1500 रुपये है। यदि इसमें मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाए तो, मैनेजर का वेतन जोड़ दिया जाता है तो औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। औसत वेतन में 100 रुपये की वृद्धि हो जाती है। मैनेजर का मासिक वेतन कितना है? ठीक है, जब बताएं समूह में कोई आ रहा है और औसत को बढ़ा दे रहा है तो उसका क्या होगा फिर? उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है? वह ज़्यादा लेके आ रहा है तो 1500 रुपये सबका मासिक वेतन था, तो 1500 रुपये से मैनेजर जो आया है उसका ज़्यादा है, 100 रुपये की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वह सभी का, 20 कर्मचारी प्लस अपना, सभी का औसत वेतन से 100 100 रुपये बढ़ा दे रहा है। बढ़ाने में कितना उसका चला जाएगा? जो कर्मचारी आया है बढ़ाने में 21 हो जाएगा, 20 कर्मचारी हैं और एक वह मैनेजर, 21 हो गया, 100 100 रुपये वृद्धि हो रहा है सभी पर, तो 2100 वृद्धि होने में चला गया, ठीक है। और औसत कितना था? 1500, इसको जोड़ दो बस। आंसर कितना इजी है कॉन्सेप्ट से, अगर बेसिक करते तो कितना लंबा होता, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5 1 6 5 1 6 हो जाएगा, 2 1 3, 3600 मैनेजर का वेतन है, मासिक वेतन। और इसको बेसिक से लगाते तो 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन इतना है, तो 20 का गुणा करते 1500 में, ऐसे करते 1500 × 20 बराबर कितना आ जाता है? 15 × 30, 30,000 हो जाता। फिर मैनेजर के आने पर 100 रुपये की वृद्धि हुई है, मैनेजर आने पर 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1500 से 1600 वृद्धि हो गया सभी का। औसत जो है 1500 से 100 रुपये वृद्धि है, तो 1600 हो जाएगा 21 लोगों का। अब इसका गुणा करके अब इसमें से घटाएंगे, अब इसमें गुणा करिए, 2 0 इधर हो जाएगा, 16 1 का 16, 16 2 9 32, 32 से 33। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो मैनेजर का आएगा 3600। ये बेसिक है, जब बड़ा दे देगा तो कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया चीज़ है, अगर इसको जान लेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे देखते ही आंसर आपको आँखें आँख के सामने दिख जाएगा, ऑप्शन में रहता है आंसर, तुरंत पता पा जाएंगे कि हाँ यही आंसर सही है। 20 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 1500 था, इसमें एक मैनेजर आया है, जब कोई समूह में आता है या समूह का औसत बढ़ेगा या घटे या बराबर रहेगा, बराबर तब रहेगा जो औसत है पहले का, उसी औसत का अगर आ रहा है तो बराबर बना रहेगा, कम ज़्यादा लेके आता है तो कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सभी का 100 100 रुपये बढ़ाया है, 20 लोगों का 100 100 रुपये बढ़ाया, 2000, अपना 100 रुपये बढ़ाएगा 2100, और औसत कितना था? 1500, 1500 और 2100 जोड़ दो, 3600 डायरेक्ट आंसर, आपको कुछ करना है नहीं, ठीक है। तो आप ऐसे कॉन्सेप्ट से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को मन में ही सॉल्व कर लेंगे, कॉपी पेन की ज़रूरत है नहीं।